रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 का हॉर्नबिल बुक से फादर टू सन पोयम देखेंगे, जो कि एलिजाबेथ जेनिंग के द्वारा लिखा गया है। इस कविता के समरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर में ये पोयम किस चीज पे डिपिक्टेड है। ये जो पोयम है वो एक बाप बेटे के रिलेशन पे डिपिक्टेड है, और इस पोयम में दिखाया गया है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन गैप की वजह से जनरेशन गैप होता जा रहा है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन लीड्स टू जनरेशन गैप। पिता बेटे से बात नहीं करता, बेटा बाप से नहीं बात करता है, बाप अपने बेटे के बारे में नहीं जानता कि बेटे को क्या पसंद है, बेटा बाप के इच्छाओं के बारे में नहीं जानता है, ये एक बड़ा सा गैप बन चुका है। तो इस पोयम के माध्यम से ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जो कि एलिजाबेथ जेनिंग ने बताने का प्रयास किया है। ये जो पोयम है वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम हाईलाइट करता है, जनरेशन गैप। मैंने अभी बताया कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत पिता और बेटे के बीच में बिल्कुल भी नहीं है। पोयम का वहां से शुरुआत होता है जहां पे उसका पिता कहता है कि वो अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा है, भले ही एक ही छत के नीचे कई साल से वो दोनों रह रहे हैं। जो इस पोयम में फादर है वो कन्फेस कर रहे हैं कि उनको अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और अपने बच्चे को समझने के लिए वो फिर से वही वाला रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं जो रिलेशनशिप उसके साथ बचपन में इनका हुआ करता था। लेकिन जो धागा इन दोनों को कनेक्ट करके रख सकता था वो धागा मिसिंग लग रहा था। जो पिता है उसको ऐसा लगता है कि जो लिंक इन दोनों को जोड़ता था वो लिंक कहीं गुम हो चुका है। पिता को ऐसा लगता है कि जो बीज उसने बोया था या तो वो ऐसे जगह बोया था जहाँ पे वो पनप ना पाया, वो डिस्ट्रॉयड हो गया, या फिर कहीं ऐसे जगह पे बो दिया था जो जगह उसका था ही नहीं, और क्लोजनेस और लॉस ऑफ एफिनिटी इन सब चीजों का रिजल्ट है। पिता और पुत्र दोनों अजनबी जैसे व्यवहार करते हैं, ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि उन दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग भी है। और ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन पिता और पुत्र के बीच का हाईलाइट्स करता है कि जो दोनों जनरेशंस हैं इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है, कसमकस भरी जिंदगी हो चुकी है। आप ही सोचिएगा, क्या ये पॉसिबल है कि एक घर में और एक छत के नीचे रह के हम अपने पेरेंट्स से अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकते? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है? कभी नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे पिता को कुछ इस प्रकार का कष्ट है, उस कष्ट को वो व्यक्त कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फिर से उनका बच्चा उनके पास आ जाए, जैसे छोटा बच्चा था और उस समय उनके पास रहा करता था, उसी प्रकार से वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वापस उनके पास वैसे ही आ जाए। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये दिख रहा है कि पिता और पुत्र के बीच में किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ तक कि पिता कहते हैं जो उस बच्चे का फिजिकल शेप है ये तो पिता के डिजायर के वजह से है, क्योंकि पिता डिजायर करते थे पिता जैसे होंगे वैसे पुत्र भी होंगे, लेकिन फिजिकली शेप साइज अपने पिताजी का वो लिया है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिफर कर रहा होता है। जो पिता है वो ये तक नहीं शेयर कर सकते कि आखिर में उनके बेटे को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। अब ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ना, इसी का नतीजा होता है लैक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अगर हम किसी से बात करेंगे ही नहीं तो हम अपने इंटरेस्ट के बारे में बता कैसे पाएंगे कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। जो बेटा रहता है वो अपने दुनिया में व्यस्त रहता है, उसको अपने आप से मतलब रहता है, किसी और चीज से नहीं मतलब रहता है। उसके पिता चाहते हैं कि वो वापस इनके पास आ जाए, भले ही उसे लोग कुछ भी कहें, भले ही वो प्रोडिगल सन के रूप में आए, मतलब खर्चीला, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, जिस तरीके से वो रहता है उस तरीके से रहे, लेकिन वो उनके पास आ जाए। वो चाहते हैं कि जिस जगह से उनका बेटा फेमिलियर है, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, उसे वहाँ पे वापस आ जाना चाहिए, ना कि उस जगह रहना चाहिए जहाँ पे वो अननोन है और जिस जगह है वो अनफेमिलियर जगह है। उसके पिता कहते हैं कि जैसे पुरानी कहानियों में जो प्रोडिगल सन हुआ करते हैं, जैसे स्टोरी में अपने बेटों को माफ कर दिया करते थे, वो भी उसे माफ कर देंगे लेकिन वो वापस आ जाए। वो आशा करके बैठे हुए थे कि अगर ऐसा होता है तो प्यार की एक अलग दुनिया बनाएंगे, वो मटेरियलिस्टिक वेल्थ के खोने का दुख व्यक्त नहीं करेंगे, उन्हें खुशी होगी उनका बेटा वापस आ गया है। उसे तथा उसके पुत्र को उसी संसार और उसी जमीन के टुकड़े पे ही रहना है। अब जब पुत्र बोलता है तो पिता उसे समझने में असफल रहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बातों को वो समझ ही नहीं पा रहा, ऐसा लगता है कि उनका बेटा खुद को समझ नहीं पाता है, क्योंकि ये माना गया है कि जो पुत्र होता है वो पिता की छाया ही तो है। आखिर में जो बिछड़ने का दुख होता है वो क्रोध का कारण बनता है। वे इस हानि को पूरा करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करते हैं, वे दोनों जो हाथ आगे बढ़ाते हैं वो एकदम खाली रहता है। वो गैप जो इतने दिनों से सामने देखने को मिला है उसी के वजह से ये प्रतीत यहाँ पे होता है कि इन दोनों का हाथ खाली दिख रहा है, भले ही ये एक दूसरे की तरफ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु किसी ऐसी वस्तु के लिए तीव्र इच्छा आवश्यक है जो उन्हें कड़वाहट भुलाने तथा क्षमा करने में सहायता कर सकता है। वो बेटे को क्षमा करने के लिए भी तैयार है, वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनके पास वापस आ जाए, उनको कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, बस उन्हें चाहिए तो उनका बेटा, और वो यहाँ तक भी मानने को तैयार है कि चलो जो भी गलतियां हुई मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन तुम वापस आ जाओ। और यहाँ पे आपका पोयम समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज।